हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर बरखा गुप्ता। तो आज मैं आप लोगों को ना करियर्स की बहुत सारी जो टर्मोलॉजीज हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो क्योंकि ये जनरली आप लोगों से क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो आज हम उसी को यहाँ पर देखने वाले हैं। लाइक करियर क्या होता है, करियर प्लानिंग्स क्या होती है, करियर्स के गोल्स क्या होते हैं, करियर पाथ क्या होता है, वॉट इज करियर डेवलपमेंट एंड वॉट इज करियर मैनेजमेंट, इन सारे टर्म्स को आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बारीक पहचानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बेसिक डिफरेंस क्या है। सो लेट्स टॉक अबाउट द करियर। अ करियर इज अ सीक्वेंस। करियर क्या है? अ सीक्वेंस है ऑफ सेपरेट बट रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज। ये क्या है? एक सेपरेट और रिलेटेड एक्टिविटीज का एक सीक्वेंस होता है दैट प्रोवाइड द कंटिन्यूटी। ये क्या करता है? कंटिन्यूटी प्रोवाइड कराता है, ऑर्डर मीनिंग टू अ पर्सन्स लाइफ। एक पर्सन्स की लाइफ में उसको आगे क्या करना है उसमें कंटिन्यूटी लेकर आता है और बताता है कि उसे क्या करना है। तो एक सीक्वेंस होता है किसका? रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज का। ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल कि आपने अपने करियर की शुरुआत की हुई है, तो पहले आप जिस पोजिशन पर थे, लाइक एग्जीक्यूटिव पोजिशन पर गए, फिर सीनियर एग्जीक्यूटिव पोजिशन, तो इस तरह से आपकी पोजिशन बढ़ती चली जाती है। तो ये रिलेटेड वर्क एक्टिविटीज में होगी। अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म से, करियर प्लानिंग। तो करियर प्लानिंग, प्लानिंग क्या होता है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस होती है। ठीक है, सो दिस इज द की वर्ड, प्लानिंग इज द ऑनगोइंग प्रोसेस। प्लानिंग कैसी है? एक ऑनगोइंग प्रोसेस है थ्रू विच इंडिविजुअल सेट करियर गोल्स। इसके माध्यम से इंडिविजुअल अपने करियर के गोल्स को सेट करता है और आइडेंटिफाई करता है कि उनको किस तरह से अचीव करना है। तो उसका वो तरीके ढूंढता है उनको अचीव करने के। सो दिस इज द करियर प्लानिंग। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन, करियर गोल। अब करियर गोल क्या होता है? तो करियर गोल इज अ वेल डिफाइंड स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग द प्रोफेशंस दैट एन इंडिविजुअल इंटेंड टू परस्यू थ्रू आउट हिज करियर। तो करियर गोल बेसिकली एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है। हम जानते हैं गोल्स दैट इज क्या होते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्स होते हैं दैट कि हमें इंडिविजुअली क्या चीज अचीव करनी है उसके बारे में बात की जाती है। सेम यहाँ पर भी वही है कि एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट होता है जो कि एक्सप्लेन करता है प्रोफेशंस को, जो इंडिविजुअल पर्सन को अपने पूरे करियर्स में थ्रू आउट हिज करियर्स उसको उस काम को करना है, है ना, वो उस बारे में बताया जाता है। गोल्स, जैसे गोल्स का जो नॉर्मल मीनिंग है वही करियर गोल्स का। अब आता है आपका करियर पाथ। सो करियर पाथ, पाथ यानी कि एक रूट, एक रास्ता हमको यहाँ पर बात की जा रही है। सो पाथ आर रूट्स दैट इंडिविजुअल टेक फ्रॉम देयर फर्स्ट फॉरवे इन टू द जॉब मार्केट। लाइक हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक वो तरीका होता है जिसमें इंडिविजुअल जो होता है उसे अपनी फर्स्ट स्टार्टिंग से लेकर जॉब मार्केट में कैसे जाना है और रिटायरमेंट तक उसको कौन कौन सी पोजीशंस पर पहुंचना है उसके लिए वो रास्ता तय करता है। ठीक है, मतलब अगर उसने अपनी जॉब मान के चलिए 25 एज से अगर स्टार्ट की हुई है तो 60 तक आते आते उनको किस किस दौर से गुजरना है उसके लिए वो कौन सा पाथ रूट चूज करता है, दैट इज बेसिकली द करियर पाथ। ठीक है, सो करियर पाथ इज द रूट दैट इंडिविजुअल टेक फ्रॉम देयर फर्स्ट into the job market through to their final positions before the retirements। So basically क्या है कि जब से वो starting से लेकर last तक, इसमें उसके career की हम बात कर रहे हैं, तो जब उसने job start की तब से लेकर retirement तक में जिस रास्ते को वो choose करता है that is the career path। Now let's talk about the career development। So career development refers to a set of programs। ये क्या है? A set of programs है जो design किया जाता है, जो match किया जाता है individual की need, ability, करियर गोल्स विद द करंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज इन दी ऑर्गेनाइजेशन। जब भी डेवलपमेंट की बात है हमेशा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर बात की जा रही है कि कैसे हम पर्सन को तैयार कर सके फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज के लिए। तो बेसिकली टारगेट यहाँ पर इसी चीज को दिया जाता है। सो करियर डेवलपमेंट रिफर्स टू द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट बेसिकली डिजाइन टू मैच द इंडिविजुअल नीड, एबिलिटी एंड द करियर गोल्स विद द करंट एंड फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। नाउ द लेट्स टॉक अबाउट द करियर मैनेजमेंट। तो करियर मैनेजमेंट इज अ लॉन्ग लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग रिसोर्सेज टू अकम्पलिश योर फ्यूचर करियर गोल। ठीक है, सो दिस इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होगा ये, जो कि इन्वेस्टिगेट करता है किसको फ्यूचर के करियर गोल्स को अकम्पलिश करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है उनकी यहाँ पर बात की जाती है। मतलब ओवरऑल चीज़ों को कैसे मैनेज करके रखा जाए उसके बारे में यहाँ पर सोचा जाता है। सो द करियर मैनेजमेंट प्रोसेस एम्बेडेड द वेरियस कॉन्सेप्ट लाइक सेल्फ अवेयरनेस, करियर डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, करियर एक्सप्लोरेशन, लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द नेटवर्किंग। सारी चीजें जो हैं वो टोटल मिलाकर करियर मैनेजमेंट में
आ जाएंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने देखा कि करियर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो कौन कौन सी हैं। इन पे आपको मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है या फिर आपको डायरेक्टली दिया जा सकता है एक स्टेटमेंट और आपसे पूछा जा सकता है कि दिस स्टेटमेंट्स बिलोंग्स टू। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।